पीछे बैठ जाना आप, मैं थोड़ा कैमरे का इशू होगा, आप पीछे बैठ। पीछे अच्छा वही काम करें। ये भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? हाँ चलो, आई विल गो विद दैट, आई विल वोंट सेंड इट, वो आप बाद में शेयर कर दो। आगे से ना ये लाइव राइट नो विल गो अहेड, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बट उनको नहीं शेयर करना। यस सर, आ गया, मैसेज कर लो, मैं तो शेयर कर दूंगा। सर ऊपर आ गए, कर दो शेयर। Can we go ahead, everyone? भेजा मैंने आपको, आपके ग्रुप को भी। ठीक है, चलें। ऑडियो बराबर है? वीडियो बराबर है? ठीक है। Can you go? Can we go? Tell us. So we'll take the content SP. Okay. Quiet. This is the file and we are into subject what? SP. What is sub chapter that we are supposed to? It is not like it is running behind. The thoda late ho. Quiet. Aage chale. YouTube is always behind than the actual. Can we go? Ready everyone? Chalein? Lock kiya jaye? So, okay, just check out with the camera quality. You can see it. Right? Thank you.
रेडी एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सो कमिंग बैक टू द कंटेंट, we have total 12 chapter. What is the chapter that I am going to take is 1-2 में सेक्रेटरी। What is this secretary is all about? So basically friend, अगर आप देखोगे meaning of secretary and definition what it basically mean, okay, what are the features of secretary, so we'll try to cover up from here what features are, okay. Can you check this? Can you check this? Everyone with us? Ready? So what is the question friends? You understand? एक तो बात समझो, title is real, जो आपका SP है वो chapter 1 से चालू नहीं होता। वो रियल कहां से चालू होता है? चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 में ना एक मतलब सेक्रेटरी क्या है, कैसा है, वो पूरा डिटेल बता दिया। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 वो एसपी का रियल चैप्टर, जहां आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती, कंपनी बनाया कैसे डाटा, कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते। तो रियल एसपी व्हाट यू विल स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट दे हैव गिवन अ title or the topic, and the topic is what is secretary, right? What is the title? What is secretary? Ab friend dhyan se suno, samjho aur samajhne ki koshish karo ki secretary hai kya. To sabse pehle understand friend, if I see this feature of secretary, abhi ek question aa raha hai, what is the feature of secretary? So before you try to understand secretary, ek baat samajh lo sir, we have different forms of businesses. Ek सोल प्रोप्राइटर होता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक कंपनी होता है, गवर्नमेंट्स होते हैं। तो हर एक जगह कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत बिजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब बहुत बिजी इंसान है। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका सेक्रेटरी होना चाहिए, राइट। चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है, तो ये गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हो गए, राइट। वैसे कंपनी देखोगे तो जितने भी बच्चों कंपनियां होती है, जितने भी कंपनियां होती हैं, हर एक संस्था, हर एक कंपनी में कंपलसरी बताया गया कि कंपनी हैज टू हैज व्हाट सेक्रेटरी। सो कंपनी में सेक्रेटरी होना बहुत अनिवार्य है। तो सेक्रेटरी है कौन, इसके फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या और इसके इंपॉर्टेंस क्या। तो वन एट ए टाइम बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सबसे पहले यार, ही इज अ इंडिविजुअल पर्सन, जो सेक्रेटरी व्यक्ति है, जो सेक्रेटरी है वो कौन है, ही इज एन इंडिविजुअल पर्सन। ऑब्वियसली यार, मतलब कोई कंपनी सेक्रेटरी बन नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट सेक्रेटरी हमेशा एक व्यक्ति होगा। क्या होगा? व्यक्ति। सो फर्स्ट पॉइंट चलो मेरे साथ बोलो, ही हैज टू बी एन इंडिविजुअल। तो बच्चों ये जो फीचर्स है मैं आपको लर्न करवा देता हूं। जैसे अभी इंडिविजुअल है, ड्यूटीज है, क्वालिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट है, तो अब यार उसके बाद पेड एम्प्लॉइज है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, रिप्रेजेंटेटिव है, और उसके क्वालिटीज होते हैं। तो कैसे लर्न करें बच्चों? तो मैं ऐसे क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट ले लो, पॉइंट नंबर 1। हम एक काम करते हैं, पहला आईक्यू ले लो। कौन सा वर्ड ले लो? आईक्यू। आई मतलब क्या आएगा? इंडिविजुअल। आई मतलब क्या आएगा? और क्यू मतलब क्या आएगा बच्चों? क्वालिफिकेशन। क्या आएगा? अच्छा, आईक्यू होने के बाद फिर बच्चों क्या याद कर लो? डैप। आईक्यू, डैप। अब ये तीसरा वर्ड आ रहा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो डी, ए और पी। डैप में क्या आ रहा है? डी मतलब क्या? ड्यूटी, ए मतलब अपॉइंटमेंट, और पी मतलब पेड एम्प्लॉइज। तो पहले पांच वर्ड आपको लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया। चलो मैं बोला, सबसे पहले वो व्यक्ति कौन होने वाला? एक इंडिविजुअल पर्सन होने वाला। कौन होने वाला? इंडिविजुअल। ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वालिफिकेशन लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना पड़ता है, कलेक्टर ऑफिसर। अगर आपको वैसे ही कंपनी में सेक्रेटरी बनना है तो एक कोर्स आता है बच्चों, सीएस,
यू आर सपोज टू बी कंपनी सेक्रेटरी. तो यार तो पहला आ रहा है ही हैज टू बी इंडिविजुअल पर्सन, सेकंड ही हैज टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशन. फिर डार्क में डी मतलब क्या आ रहा है बच्चों, व्हाट इज डी? सो डी स्टैंड फॉर ड्यूटीज, अ पर्सन मस्ट कैरी अ सर्टेन ड्यूटी, उसके बाद अपॉइंटमेंट, और उसके बाद इज अ पेड एम्प्लॉय. तो चलो मेरे साथ बोलिए, सबसे पहला हु इज ही? इज एन इंडिविजुअल पर्सन. अ सेक्रेटरी हैज टू हैव अ इंडिविजुअल. अब बच्चों एक बात याद रखना, अगर आप मुझे देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 11th स्टैंडर्ड एग्जाम, मैं आप सबको एक सिंपल पॉइंट में बताता हूँ. आप पेपर पैटर्न आपका देखो, हर एक एग्जाम का जो भी कॉलेज का पेपर पैटर्न होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा है या सब्जेक्टिव पेपर ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक काम करते हैं, हैव यू गॉट एसपी का पेपर पैटर्न? जस्ट गिव इट टू मी एनीबडी. यस बच्चों, व्हेनेवर यू स्टडी ऑलवेज स्टडी विथ व्हाट पर्सपेक्टिव? पेपर पैटर्न. देखो बच्चों ये मैं आपको फॉरएवर एक की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जब भी आप पेपर के लिए पढ़ो तो सबसे पहले काम करो पेपर पैटर्न को देख लो. अब पेपर पैटर्न अगर ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पर्टिकुलर कॉलेज है, उनका पेपर पैटर्न दिया है. अब यहाँ पेपर पैटर्न में देखो, एमसीक्यू बेस है, राइट वन वर्ड है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म अटेम्प्ट एनी टू है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी वन आर है, जस्टिफाई एनी वन आर. तो बच्चों अगर ये पेपर पैटर्न देखा जाए तो यहाँ मोर ऑफ कौन सा पेपर आ रहा है? ऑब्जेक्टिव आ रहा है. जैसे अभी पेपर पैटर्न एक कॉलेज है, इनका अगर हम पेपर पैटर्न देख रहे हैं, तो इनके पेपर पैटर्न को देखो बच्चों, तो पता चल रहा है 11th स्टैंडर्ड, ऑल दोज हु हैव 25 मार्क्स का एग्जाम. व्हेन यू स्टडी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि पेपर पैटर्न किस टाइप का है. क्या मेरा लेंथी पेपर पैटर्न वाला है जहां बड़े बड़े आंसर लिखने, या मेरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड? अब ये पेपर को पढ़ते समय सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंस. 3 मार्क का आ रहा है, मतलब यार ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया. तो पता चल रहा है पहला क्वेश्चन किस पे आ रहा है बच्चों? सो पहला क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, वो भी कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है. किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों? ऑब्जेक्टिव. ये पहला पॉइंट आ रहा है. अब सेकेंड चीज जाते हैं हम लोग, सॉरी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक के बाद राइट अ वन वर्ड और अ टर्म. वो अब इस वन वर्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है. अगर आप देख लो तो इसके अंदर जब क्वेश्चन वन के अंदर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ले लिया, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, राइट वन वर्ड. बच्चों जब मैं पूछता हूँ वन वर्ड, एक्चुअली वन वर्ड भी कितने मार्क्स के लिए? ये 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए. मतलब यार इसके लिए कुछ मत करो, टेक्स्ट बुक के पीछे का बस क्या करो, क्वेश्चन डेटा मार लो. क्वेश्चन से तुरंत क्या हो जाएगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन 11th में कभी नहीं पूछते, अरे 12th के बोर्ड में नहीं पूछते, 11th में कहां से पूछे, तो फिर बहुत सही. समझ आ रहा है? अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स. अब यार ये तो और इजी क्वेश्चन है, वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट है बच्चों वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट, ये बता दीजिए. Whether the statement are true or false, ये बता दीजिए. 2 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क, मेरे टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं बच्चों? अब ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, सो यू विल फाइंड आउट मोस्टली द पेपर आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. तो 3 मार्क का वन वर्ड, 3 मार्क का फिल इन द ब्लैंक, 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स. अब उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, क्वेश्चन नंबर 2. तो मतलब यार एक बात बताओ, ये पेपर को पढ़ा जाए तो ये पेपर कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है? 8 मार्क्स. 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मतलब बच्चा आराम से पास हो जाएगा ना, क्योंकि पासिंग का तो काम हो गया. तो पास के लिए बस कुछ मत करो, टेक्स्ट बुक के पीछे का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, जो कि हम लोग अभी कर लेंगे, राइट. अब आगे जाते हैं नेक्स्ट. अगर उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. एक्सप्लेन द टर्म यार मतलब आपको टेक्स्ट बुक की, एक्सप्लेन द टर्म, व्हाट इज द टर्म अवेलेबल, और उसमें भी कितने हैं बच्चों? 2 मार्क के 2, विच इज 4 मार्क्स आ रहे हैं. आपको कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सप्लेन द टर्म है वो सब लर्न कर लो. आर यू गेटिंग दिस? अब नेक्स्ट आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट एनीवन. डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी बोलो, डिस्टिंग्विश का पेपर देख लो टेक्स्ट बुक में. आप यहां देखो डिस्टिंग्विश यही आएगा,
क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक के सिवा और कुछ पूछ ही नहीं सकते। चलो मैं आपके सामने दिखता हूं, अपने टेक्स्ट बुक में कितने डिस्टिंग्विश है बट्टू? अभी एक सेकेंड, पहला क्या है? ये एक डिस्टिंग्विश है, पर्सनल सेक्रेटरी, नॉन पर्सनल सेक्रेटरी, ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये एक क्वेश्चन, बस इतना ही डिस्टिंग्विश है। और और कौन सा है? नहीं, उसके पांच से छह पॉइंट है। ये चैप्टर नंबर वन में यही डिस्टिंग्विश है, देख लो, ये हम लोग अभी लर्न कर लेंगे। अच्छा, डिस्टिंग्विश कितने मार्क का आ रहा है? जस्टिफ डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट एनी वन चार, बस इसी में से तो पूछेंगे। सेकेंड चैप्टर में अगर उनको पूछना रहेगा तो क्या पूछेंगे? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसका एक चार्ट में आपको लर्न करवा देता हूं। तो डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आज मैं अभी लर्न करवा दूंगा, और यहाँ टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में डिस्टिंग्विश पूछा जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट आ जा रहा है, जस्टिफाई द फॉलोइंग अटेम्प्ट एनी वन, आंसर इन ब्रीफ एनी वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर। तो एक काम करते बच्चों, कितने चैप्टर है आपके एग्जाम में? दो चैप्टर है। अब मैं एक काम करता हूं, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, ये दो है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आंसर बनाता हूं जिससे आपको सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर टू एक तीर में सब शिकार कर लेते। पहले चैप्टर टू रट्टा मरवा देता हूं, फिर चैप्टर वन रट्टा मरवा दूंगा। ठीक है, तैयार हो आप सब? चलो, चैप्टर नंबर टू में आप क्या पढ़ रहे हो उसका एक तीर में सब शिकार कर दे। आप लोग तैयार हो? रेडी? अब यार, चैप्टर नंबर टू में एक डिस्टिंग्विश का आंसर कवरअप करते हैं, और उस आंसर के बेसिस पे आप सब लर्न कर लोगे। वो आंसर क्या है? चैप्टर नंबर टू में आप पढ़ रहे हो कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं। तो चलो पहले थोड़ा ज्ञान दे देते और फिर याद कर लेते। बिजनेस कितने टाइप्स के होने वाले? पांच टाइप के बिजनेस होने वाले। कितने टाइप्स के होने वाले? एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है। जब बच्चों आपके पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग इंडिविजुअल बिजनेस चलाते हैं, तो हमारे बिजनेस कितने टाइप्स के हैं? पांच टाइप के। वो पांच टाइप में बच्चों बताओ, सबसे पहले बताओ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की अनुसार अगर भारत में जो भी व्यक्ति बिजनेस करेगा तो कितने प्रकार के बिजनेस करेगा। तो यार, एक तो प्राइवेट, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट बिजनेस बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बिजनेस हम लोग बात नहीं कर रहे। अब अकेला बिजनेस बात करेगा, अकेला वन पर्सन डूइंग बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, वन पर्सन डूइंग द बिजनेस। चलो मेरे साथ बोलिए, वन पर्सन डूइंग द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर। आर यू गेटिंग दिस? यस फ्रेंड, यस। वन पर्सन डूइंग द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर। बट प्रॉब्लम क्या, अकेला बंदा कितना बड़ा बिजनेस करेगा? पॉसिबल नहीं है। एक लिए आप बताओ, वड़ा पाव वाला पूरे दुनिया में वड़ा पाव बेच सकता क्या? पानी पूरी वाला पूरे दुनिया में पानी पूरी बेच सकता क्या? मतलब छोटा बिजनेस का लिमिट है। तो इसलिए लोग उससे बड़ा बिजनेस करने के लिए कौन सा बिजनेस करते? पार्टनरशिप। तो जब एक से ज्यादा लोग हो जाए बच्चों, जब एक से ज्यादा लोग हो जाए तो उसको हम लोग कौन सा बिजनेस बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस? सो व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल, टू या मोर देन टू पीपल, टू या मोर देन टू पीपल, वी कॉल इट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? तो चलो बोले, सबसे पहला बिजनेस क्या है? सोल ट्रेडर। सबसे पहला बिजनेस क्या? दूसरा बिजनेस क्या? पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस? अब यार तीसरा जाते हैं यार, जहां अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में देयर इज अ फैमिली बिजनेस, पीपल रन फैमिली, गुजराती अपनी फैमिली बिजनेस चलाएगी, सिंधी अपनी, मारवाड़ी अपनी। तो ये जो फैमिली बिजनेस चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड टाइम्स ऑफ इट, जॉइंट हिंदू, ओके, फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो थर्ड टाइप्स ऑफ बिजनेस जो आ रहा है बच्चों, वो कौन सा बिजनेस आ रहा है? फैमिली बिजनेस आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो इफ यू आर ओके विद दिस होल कंसेप्ट, चौथा बिजनेस जो आएगा वो कौन सा आएगा? अब बच्चों यार, अकेला बिजनेस किया सोल ट्रेडर, मिल के बिजनेस किया तो पार्टनरशिप, फैमिली मिला के बिजनेस किया तो हिंदू फैमिली। अच्छा, अब चौथा बिजनेस आप बताओ बच्चों। व्हेन आई से व्हाट इज द फोर्थ बिजनेस, सो द फोर्थ बिजनेस इज व्हाट? एक सेकेंड, कैन वी गो द फोर्थ बिजनेस दैट यू हैव, इट इज कॉल्ड बच्चों, एक आ जाता कंपनी। ये सबसे बड़ी सर, सबसे ज्यादा अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना है जीवन में तो आप देखोगे उसके लिए क्या खुलना पड़ेगा? कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बच्चों एप्पल है, एप्पल, आईफोन 15 जिसने अभी लॉन्च किया,
ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना रहेगा तो कौन सा बिजनेस खोलना पड़ेगा? तो आंसर आता है कंपनी। और पांचवा और एक बिजनेस आता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर यू गेटिंग दिस? सो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ बिजनेस इन आवर इंडिया। बोलो कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस है? फाइव टाइप। पहला क्या है? सोल ट्रेडर। दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? और पांचवा क्या? ओके, वन एट ए टाइम। पहला बिजनेस क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? ज्वाइंट फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चौथा क्या? कंपनी। और लास्ट क्या आ रहा है? कोऑपरेटिव। तो एक काम करना, मैं आपको बोल रहा हूँ एक डिस्टिंग्विश का पूरा चार्ट बनाता हूँ और ये चार्ट से पूरा चैप्टर लर्न कर लो, ठीक है? अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बारे में क्वेश्चन है और एक तीर से पांचों शिकार करते हैं। वही शिकार आप ऑब्जेक्टिव में लिख देना, एक्सप्लेन द टर्म में लिख देना, ठीक है ना? चले रेडी हो? तो चलो लेट्स स्टार्ट आउट एवरीबडी विद अस। सबसे पहले आप लोग सब स्केल नोटबुक निकाल लो, जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं सब लोग मेरे साथ लिखो। दो पेज यूज करना, ओके? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? यहां पॉइंट्स लिखना, ठीक है? अब ये यहां देखो टाइटल है, सीरियल नंबर, ओके? सबसे पहला बिजनेस क्या आ रहा है बच्चों? एक तीर से सब आंसर रट्टा मार लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सोल ट्रेडर। क्या आ रहा है बच्चों? ओके, फर्स्ट कम्स सोल ट्रेडर। दूसरा कौन आ रहा है बच्चों? सेकेंड पार्टनरशिप बिजनेस। सेकेंड आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस। थर्ड बच्चों हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या आ रहा है? हिंदू फैमिली बिजनेस। चौथा क्या आ रहा है बच्चों? चौथा क्या आ रहा है? कंपनी। और लास्ट का कौन आ रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। दूसरा कौन है बच्चों? पार्टनरशिप, ठीक है? ये चार्ट याद कर लो, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है ना? और याद करते समय बस मुझे ध्यान दो, आपको सब समझ जाएगा। कैन बी गुड। पार्टनरशिप के बाद तीसरा बिजनेस कौन सा आ रहा है बच्चों? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF। HUF का मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आर यू गेटिंग दिस? चौथा जो बच्चों आ रहा है वो क्या आ रहा है? कंपनी। और लास्ट को जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर यू गेटिंग दिस? सो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस? फाइव टाइप्स ऑफ बिजनेस। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस? एक्चुअली आई एम लाइक मे बी एक बार मैं कॉलेज में बात कर लूंगा फिर शेयर करूंगा। आई वॉज लाइक ऐसे आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इसलिए मैं नहीं कर रहा, एक बार पूछ लूंगा फिर कर दूंगा, ठीक है? कैन बी गो दिस वे दैट वे, लेक्चर रिकॉर्डेड यू कैन शेयर इट एज अ फ्रेंड, बाकी लेटर ऑन विल वर्क आउट इट। चलें, कैन बी गो। सो हमारे पास कितने टाइप्स के बिजनेसेस आ रहे हैं हमारे पूरे प्राइवेट ऑर्गेनाइज बच्चों? हमारे भारत देश में पांच प्रकार के बिजनेस है। एक अकेला बिजनेस जो भी हमारे वड़ा पाव, पाव भाजी, पानी पूरी, दुकान, ये सब सोल ट्रेडर है। बट अकेले अगर बड़ा धंधा नहीं होता तो लोग क्या करते? पार्टनरशिप बना लेते हैं, और नहीं तो फैमिली बिजनेस बना लेते हैं, और नहीं तो सबसे बड़ा स्केल पे काम करना तो क्या? कंपनी। और लास्ट क्या आता है बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर यू गेटिंग दिस? चलो रेडी एवरीवन, लॉक किया जाए, चले हम लोग। तो चलो सबसे पहला पॉइंट सब लोग लिखो मेरे साथ, मीनिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मीनिंग। आप सब लोग ऑल दोज ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज ध्यान से सुनना, समझना और ठीक से लिखना। सोल ट्रेडर का मतलब क्या? मीनिंग लिखो। इट इज अ बिजनेस रन बाय वन पर्सन। इट इज
ये रख दो नीचे। क्या लिखा आपने? इट इज बिजनेस रन बाय वन पर्सन। इट इज अ बिजनेस रन बाय वन पर्सन। आर यू गेटिंग? ही इज अ ओनर एज वेल एज मैनेजर। वो मालिक भी है और मैनेजर भी है, ठीक है ना? पॉइंट वन क्लियर। अब सेकेंड, पार्टनरशिप बिजनेस। बच्चों लिखो, व्हेन टू और मोर पीपल कम टूगेदर टू कैरी लीगल बिजनेस। बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस कब चालू होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं। सो व्हेन टू और मोर देन टू पीपल कम टूगेदर टू कैरी आउट व्हाट? लीगल बिजनेस। इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। यस यस, आर यू गेटिंग दिस? व्हेन टू, आर यू गेटिंग? When two or more than two people come together for what? Carrying out legal business. जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर business करने आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? Partnership business. देखो मैं एक तीर से ना सब कवर अप कर ले रहा हूँ। Explain the term में आप ये answer लिख सकते हो, short note में ये answer लिख सकते हो, कुछ भी आ जाए, और साथ ही साथ distinguish में ये answer लिख दो, right? अब आगे चलें। हिंदू फैमिली बिजनेस लिखो। इट इज बिजनेस गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। It is business governed by Hindu. It is a business governed by what, friend? It is a business governed by. It is a business governed by Hindu Succession Act 1956। ये एक कायदा कानून भारत में बनाया गया आजादी होने के बाद, और उस कानून का नाम गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो बिजनेस विच इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइन हिंदू फैमिली। आर यू गेटिंग दिस? आर यू ओके? यस यस, परफेक्टली फाइन विथ इट। चले हम लोग। तो सबसे पहले मीनिंग क्लियर है। अब चौथा बिजनेस ले लेते, कंपनी क्या है बच्चों? वट इज कंपनी? तो सिंपल, कैन बी गो, कंपनी इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल। एक मिनट रुक जाओ, आप दो डेफिनेशन दे सकते हो। एक सिंपल है कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी इज वॉट? ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। ये एक तरीका, और नहीं तो दूसरा डेफिनेशन क्या? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो अब इनमें से कौन सा डेफिनेशन बेटर है बच्चों? तो मैं बोल, आप जैसे जाओ, फॉर एग्जाम्पल एसपी का टेक्स्ट बुक दे दो। तो अगर आप देखोगे एसपी के बच्चों टेक्स्ट बुक के लास्ट पार्ट में आप जाओगे, तो लास्ट पार्ट में उनने डेफिनेशन में कंपनी का दिखा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग। तो ये अपने अकॉर्डिंग, तो ठीक है अपने अकॉर्डिंग तो लिखना है, तो लिख दो। It is artificial person created by law under Company Act 2013 or any previous law। मतलब अनुसर आप बताना क्या चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं सर, कंपनी क्या है? तो कंपनी कुछ नहीं, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। कंपनी क्या है बच्चों? वॉलेंट्री एसोसिएशन। एक आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी कैसे बनाई जाती है? कायदा कानून, और वो भी कौन से कायदा कानून? कंपनी एक्ट 2013। अच्छा 13 से पहले कौन सा लॉ था? एनी प्रीवियस एक्ट। आर यू गेटिंग दिस? लॉक किया जाए? Can we go ahead? Any problem with it? Next. अब लास्ट आ रहा कॉपरेटिव सोसाइटी। लिख दो कॉपरेटिव सोसाइटी। इट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल
इट इज वॉलेट. बच्चों मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है मैं लिख देता हूँ. इट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल formed for providing service. Formed for providing service. It is a voluntary association of people formed for what? Providing service. Are you okay with it, everyone? तो हम लोग ने क्या किया, पांचों का मीनिंग एक पार्ट में कवर अप कर दिया, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, एवरीबडी हैज रिटन इट. इसमें कोई कटकट है? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू लिख दो बच्चों. यहां तक क्लियर है ना? फर्स्ट पॉइंट मीनिंग हो गया, अब सेकंड पॉइंट कवर अप करते. ले लें क्या बच्चों सेकंड पॉइंट? यहां तक क्लियर है? तो चलो हम लोग ने क्या किया, हमने बताया यार ये बिजनेस. अब देखो ये मीनिंग लिखने के नाम पे आपने क्या किया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्टिव्स आप अपने आप ही कर लोगे ना. तो चलो बोलो, सोल ट्रेडर क्या? इट इज अ बिजनेस रन बाय वन पर्सन, इज अ ओनर एज वेल एज मैनेजर. पार्टनरशिप बिजनेस क्या? जब दो या दो से ज्यादा लोग, व्हेन टू और मोर देन टू पीपल कम टुगेदर टू कैरी आउट व्हाट, लीगल बिजनेस. इट इज कॉल्ड एज. अब तीसरा क्या आ रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली. सो सिंपल है, जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए आपने क्या लिखा, इट इज अ बिजनेस गवर्न बाय. इट इज अ बिजनेस गवर्न बाय व्हाट फ्रेंड? इट इज अ बिजनेस, इट इज बिजनेस गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट. कंपनी ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय व्हाट, लॉ अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट. मतलब यार कानून कंपनी एक्ट में लिखा गया, नहीं तो प्रीवियस एक्ट में लिखा गया. और कोऑपरेटिव इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल फॉर्म्ड अंडर दिस. एक काम करूं क्या, ये पूरे पॉइंट्स में आपको लिखवाऊं या लिखा हुआ आंसर के सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं, दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम. हाँ राइट. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज आई टेक डाउन द एसपी का टेक्स्ट बुक. अंडर एसपी टेक्स्ट बुक बच्चों अगर आप देखोगे लास्ट चार्ट में इनने क्या किया, ये चार्ट देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये आंसर में उसने क्या किया, पूरा कवर अप किया. तो मैं बोला ये मेरे को एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान जाएगा बच्चों, और लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं है. डिड यू गेट दिस? दैट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम आई थिंक सो. एम आई राइट? चलेगा अब? चलेगा ये चलेगा क्या आप सबको? चलो जल्दी से फिर एकदम फास्ट लर्न कर लेते फिर. दिस विल सेव लॉट ऑफ, बिकॉज वो लिखने गए ना, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, इट विल टेक लॉट ऑफ माई टाइम. चलो सबसे पहले होते मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडर बच्चों, एक सेकेंड, कैन यू चेक दिस आउट? ओके लेट्स स्टार्ट. सोल ट्रेडर का मतलब सिंपल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडर? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन. सिंपल, बिजनेस ओन कंट्रोल बाय वन पर्सन, यू कॉल इट वॉट, सोल ट्रेडर. पॉइंट नंबर टू, पार्टनरशिप फैमिली बिजनेस क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड मैनेज बाय फैमिली मेंबर. बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज बाय जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड एज व्हाट, हिंदू फैमिली बिजनेस. राइट. अब तीसरा वाला जो पार्टनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय टू और मोर देन टू पीपल जॉइंटली, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर सिंपल, पार्टनरशिप. चौथा कंपनी बोलो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. व्हाट इज कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. आर यू गेटिंग दिस? व्हिच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन. मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों बनाया गया? बाय द लॉ. कौन सा लॉ? कंपनी एक्ट 2013. एंड फॉर व्हाट पर्पस? For what purpose it is created? It is created basically to registered company. Are you getting this? Next point आ रहा है, cooperative society. It is a voluntary association of individual providing service to the member. तो ये पहला point clear है.
कंपनी क्यों बनाया जाता है, कंपनी रेस्टोरेंट है, कंपनियां कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिंपल लोग। अभी देखो यार फॉर एग्जांपल एक ब्रह्मा सन सिटी है, अब ब्रह्मा सन सिटी में भाई भावी चाहता है मेरे को वहाँ एक फ्लैट बुक करना, बुक कर सकता। हमारा अर्थर बोलता मुझे भी एक फ्लैट बुक करना, तो तुम भी बुक कर लो। अभी यार उधर बैठे हो तो यार जिसको जो फ्लैट बुक करना है आप खरीद सकते हो, ऐसा कोई रुकावट है क्या? नहीं नहीं ब्रह्मा सन सिटी में नहीं तुम्हें ना ये हो सकता, ऐसा आएगा नहीं। सो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन राइट फॉर्म बाय द पीपल फॉर व्हाट, प्रोवाइडिंग सर्विस। बात क्लियर है? अब पॉइंट नंबर टू बोलो, चलो जल्दी से रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइए बच्चों, बताओ। अब यार रजिस्ट्रेशन कैन वी गो अहेड रेडी अनुसर रजिस्ट्रेशन बच्चों, अगर दुकान अकेला बिजनेस चलाना है तो कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो यहां देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज द पॉइंट रिटन? रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी फॉर व्हाट? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के लिए क्या जरूरत नहीं है? रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरत। चलो बोलो व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन? इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर होम सोल ट्रेडर। पॉइंट नंबर टू, अच्छा बताओ हिंदू फैमिली के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या? नहीं, यू जस्ट बॉर्न इन इंडिया, यू कैन डू बिजनेस इन इंडिया। सो व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड? रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर होम यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग। तो चलो बोलो किसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए? सोल ट्रेडर। किसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए? ज्वाइनिंग। अच्छा तीसरा पॉइंट आ रहा भाई, पार्टनरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। बस सिर्फ कहां चाहिए बच्चों? पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में चाहिए। जैसे आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस महाराष्ट्र में चलाते तो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। बाकी इंडिया में कोई भी स्टेट में बिजनेस करो क्या जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन? आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कंपनी, भाई कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कभी बन नहीं सकती। तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी? कंपनी। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर होम कंपनी। और लास्ट पॉइंट आ रहा यहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। सो ये पॉइंट जल्दी कवर अप करो फिर आगे चलते हो। गिव मी वाटर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो क्विकली अगर इन केस आप लिखना चाहते हो लिख लो। क्या सोल ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ओनली कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फैमिली बिजनेस के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नंबर ऑफ मेंबर। सोचो एक बात बताओ, अकेला धंधा कर रहे हो तो उसमें मेंबर कितने होने वाले? अकेले होंगे ना। How many members you will have? Minimum one member, maximum one. Sole trader में क्या अकेला दुकान चलाने वाले में एक ही मालिक रहेगा? पार्टनरशिप में मिनिमम, अच्छा फैमिली में कोई लिमिट है क्या? नहीं बाबा, आन दो जान दो भाई, तुम्हारी फैमिली आ रही है, कौन रोकने वाला? रुकावट है क्या? नहीं, देर इज नो लिमिट। सो देर इज नो मेंबरशिप एंड देर इज नो मैक्सिमम मेंबरशिप। आर यू गेटिंग दिस? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कवर अप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? दो, और यहाँ मैक्सिमम। सो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए? दो, और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? दो, और मैक्सिमम कितने चाहिए? 200। अच्छा पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एमएश एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम कितने मेंबर चाहिए और मैक्सिमम कोई? बच्चे याद रखना आपको 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट से ज्यादा लिखना नहीं रहता बोर्ड एग्जाम में। बाकी यहाँ आपको टीचर से पूछ लेना कितने पॉइंट्स लिखने हैं, आपके टेक्स्ट बुक के सिवा और कोई डिस्टिंग्विश आने वाला नहीं। ये एक तीर में मैंने पूरे कवर अप कर ले रहा हूँ, इसमें से आया तो ये वेल एंड गुड, और नहीं तो नेक्स्ट क्या ले लेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर। अच्छा अब यहाँ जाओ लाइबिलिटी, बच्चों ये वाला पॉइंट कवर अप करने की कोशिश करते हैं। कैन वी गो टू द लाइबिलिटी? आप बताइए सर, सोल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब बच्चा बोलता पहले ये समझाओ ये है क्या? व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब क्या? तो समझो जैसे मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने कमन से लोन लिया, समझो नमन नहीं कमन जानबूझ के है स्टूडेंट,
तो मैंने नमन से अगर या कमन से पैसा लिया और अगर मैंने उसको पैसा रिटर्न नहीं किया तो क्या करेगा? मेरा प्रोजेक्टर ले लेगा, मेरा डिजिटल पैनल ले, मेरा घर ले लेगा। क्यों? क्यों? मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर आप सोल ट्रेडर का बिजनेस चलाते हो, कौन सा बिजनेस चलाते हो, तो आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? क्या रहेगी? तो चलो बोलो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी क्या है? अच्छा, फैमिली में जो हेड है ना भाई, सबसे टॉप बंदा करता, उसकी लाइबिलिटी क्या है? और बाकी जो मेंबर उनको को पार्टनर बोलते, क्या बोलते? और उनकी लाइबिलिटी क्या? आर यू श्योर यू गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लॉक किया जाए, नेक्स्ट आगे चलते। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज व्हाट? अनलिमिटेड। मतलब पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, सोल ट्रेडर में लाइबिलिटी, हिंदू फैमिली बिजनेस में लाइबिलिटी ओनली किसकी अनलिमिटेड होने वाली और किसकी लिमिटेड होने वाली? आर यू श्योर? लॉक किया जाए, नेक्स्ट आगे चलते। कंपनी के केस में लाइबिलिटी हमेशा क्या होने वाली और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाइबिलिटी क्या होने वाली? सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव कवर्ड, हैव यू अंडरस्टूड? किस पे लॉक किया जाए? ओके, कितने पॉइंट्स कवर अप किए हम लोग ने? चार। अभी भी एक पॉइंट है, अभी यार याद लिखो। जैसे मैं लिख देता हूँ, सोल ट्रेडर के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, तो लिख दो नो सेपरेट लॉ, या लिख दो स्टैट्यूट गवर्न या कोई एक्ट, स्टैट्यूट और एक्ट। तो बताओ, सोल के लिए नो सेपरेट लॉ, सोल ट्रेडर के लिए कोई सेपरेट कानून नहीं है, बट यहां इसके लिए कानून है। हिंदू फैमिली के लिए कौन सा कानून है? हिंदू, बोलो, इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, बोलो, 1956। पार्टनरशिप के लिए कौन सा कानून है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोलो कौन सा कानून है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनके लिए कौन सा कानून है? कंपनी कंपनी एक्ट 2013। और लास्ट के लिए इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये इंडिया में है, और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। तो महाराष्ट्र तो 1960 का है, और इंडिया में कौन सा? 1900। ये पांच ही पॉइंट्स आपको लर्न करना। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये पांच पॉइंट्स रट्टा करो, पूरा चैप्टर्स आपका कवर अप हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम विद इट? We'll stop with this for today. Other thing we'll take it tomorrow. Just one second. Yeah, this one.